हाय फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि अमेज़ॉन पे में बैंक अकाउंट कैसे जोड़े, कैसे लिंक करें। दोस्तों, चाहे आप किसी भी बैंक का यूज़र है और आप जो है अपना अमेज़ॉन पे में बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक अपने भाई का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अमेज़ॉन पे में बैंक अकाउंट जोड़ने के लिए, लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको अमेज़ॉन पे ओपन करना है। अमेज़ॉन पे ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, तो कुछ ऐसा ही पेज यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो अमेज़ॉन पे में बैंक अकाउंट को जोड़ना है तो इसके लिए हम यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं दोस्तों। और थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें अमेज़ॉन पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पर नीचे के साइड में यहाँ पर अकाउंट देखने को मिलेगा, देख सकते हैं दोस्तों। तो इसी अकाउंट पर हमें क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही हम अकाउंट पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर और यहाँ पर सब्सक्राइब, यहाँ पर लॉगिन एंड सिक्योरिटी, यहाँ पर काफ़ी सारा हमें सेटिंग देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अमेज़ॉन पे में हमें बैंक अकाउंट को जोड़ना है तो इसके लिए हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके इस तरीके से हम नीचे आएंगे, देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ तो इसी तरीके से आप नीचे आइए, और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अमेज़ॉन पे UPI, देख सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर अमेज़ॉन पे UPI पर क्लिक करना है। अमेज़ॉन पे UPI पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें प्रोसीड पर क्लिक करना है, देख सकते हैं येल्लो कलर में, तो इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारा बैंक आएगा, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो जिस भी बैंक अकाउंट को आपको अपने अमेज़ॉन पे में जोड़ना है, यानी कि लिंक करना है, उस बैंक अकाउंट को यहाँ पर आपको चूज करना है। जैसे कि दोस्तों, हमें पेटीएम पेमेंट बैंक को जोड़ना है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर मैं पेटीएम पेमेंट बैंक ढूंढ लेता हूँ। तो इस तरीके से आप ढूंढ लीजिए, जो भी बैंक अकाउंट को आपको ऐड करना है वो बैंक अकाउंट आप यहाँ पर ढूंढ लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक आ चुका है। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करेंगे सर्च बाय बैंक नेम, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सर्च करेंगे पेटीएम या जो भी बैंक अकाउंट आपका है वो बैंक अकाउंट यहाँ पर आप टाइप करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं सर्च किया हूँ पेटीएम, तो यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक आ चुका है। तो अब यहाँ पर हमें बैंक पर क्लिक करना है। बैंक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मेरा नंबर को वेरीफाई करेगा, देख सकते हैं यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है, यहाँ पर लिखा रहा है वेरीफाई मोबाइल नंबर, मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर UPI पिन ऑलरेडी सेट है, और यहाँ पर अगर आपका ऑलरेडी सेट नहीं है तो आपको यहाँ पर अपना UPI ID का पिन बना लेना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा UPI पिन ऑलरेडी सेट है, अगर आपका सेट नहीं है तो यहाँ पर आपको अपना UPI पिन डालना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। ओके दोस्तों, प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर कंटिन्यू शॉपिंग पर क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट अमेज़ॉन पे में लिंक हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ दोस्तों, मैं अमेज़ॉन पे UPI पर क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पर मैं आपको नीचे जा कर के दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक ऐड हो चुका है, यानी कि लिंक हो चुका है अमेज़ॉन पे से। यहाँ पर क्लिक करके हम अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप अमेज़ॉन पे में बैंक अकाउंट जोड़ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक RA ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए ट्रिक के साथ। जब तक के लिए था।